नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आंवले से दो तरह की टॉफ़ी बनाना बताऊंगी। एक पीला कलर डाल करके पीली टॉफ़ी और ग्रीन कलर डाल करके ग्रीन टॉफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, सुनीता की सुना रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टॉफ़ी बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं टॉफ़ी बनाना। और ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे अगर टॉफ़ी की मांग करें तो बस ये एक टॉफ़ी निकाल करके दे दीजिए बस, अन्यथा कोई टॉफ़ी की मांग वो नहीं करेंगे। इतना टेस्टी लगता है ये टॉफ़ी खाने में। तो आप सबसे पहले हम पीली टॉफ़ी बना रहे हैं, तो प्रोसेस वही है, इसमें पीला कलर डाल करके हम पीली टॉफ़ी बना लेते हैं। अभी इसको हम ढूंढ रहे हैं, ये हो गया है, अंतिम स्टेज पर है इसका। और आगे का प्रोसेस आप आगे देखेंगे, जिसमें मैंने ग्रीन टॉफ़ी बनाया है प्रोसेस वही है। अब ये हो गया है, इसको हम नीचे उतार लिए हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये अब पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब इसको हम धीरे धीरे थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे और फिर टॉफ़ी बनाएंगे। अब थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले लेंगे और इसको मनचाहे आकार में टॉफ़ी बना लेंगे। गोल, लंबा, बड़ा या छोटा, किसी भी तरह से आप इसका टॉफ़ी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये टॉफ़ी बनके तैयार हुआ है। आप बच्चे को ये टॉफ़ी की तरह दे सकते हैं खाने के लिए। तो एकदम छोटे छोटे पीस ले लें और इस तरह से इस गोल बना लीजिए। इस तरह से इसको गोल बना करके तीन चार कप्स चाटते थे। देखिए कितना अच्छा ये टॉफ़ी जैसा ये बनके बन गया, एकदम बड़े। बस ये करेंगे थोड़ा सा, बस इसको ऐसे कर देना है। आ गया सिर्फ में एकदम टॉफी नियर। बस आप इसको देखिए कितना बढ़िया ये टॉफी जैसा बनके तैयार हुआ है। इस तरह से बना करके बच्चे को दीजिए खाने के लिए, बच्चे बड़ी चाव से खाएंगे और दिन भर खाते ही रहेंगे। इतना बढ़िया लगता है ये खाने में। बस मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। एकदम मस्त बना है। अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होगा तो एकदम पूरा सूख करके झनझन हो जाएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी रेसिपी का पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वजन में ये 250 ग्राम से ज़्यादा ये आंवला है, तो इसके लिए हम आंवला ले लिए हैं, घी ले लिए हैं, ये काजू, बादाम, इलायची रख लिए हैं और यहाँ चीनी रख ली है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लेते हैं। हम नारियल को काट के डाल रहे हैं और इसका पाउडर बना लेंगे। आप नारियल का जो चूरा था ना, डेसिकेटेड पाउडर, वो आप डाल सकते हैं। ये अच्छे से पिस गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट का पाउडर बन के तैयार हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। निकाल लिया है और इसको हम अलग कर लेते हैं और ये आंवला को हम काट लेते हैं। इसको हम ये कट गया, कद्दूकस भी इसका कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से काट करके ही हम बनाएंगे।
तरह से देखिए बीज निकल गया, इसको अलग कर लेंगे। बस सारे आंवला को हम काट लिए हैं, अब इसको हम नाप लेते हैं कि ये कितना होता है। मतलब एक कटोरी भर करके हुआ। इसी से हम चीनी डालेंगे, तब इसमें इसको हम डाल देते हैं और बिना पानी का ही इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आंवला अगर ना पीसे तो उसमें आधा कप पानी लेके डाल दें, अच्छे से पीस जाएगा। देखिए ये अच्छा से पीस गया, अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे। बस इसको हम पीस लिया और पैन को गर्म होने देते हैं। पैन गर्म हो गया है, इसमें हम घी डाल देंगे। बस ये छोटा चम्मच है, 4 चम्मच हम घी डाल दिए हैं और ये आंवला जो है इसमें हम डाल करके इसको हम भूनेंगे। एकदम धीमा आंच पर इसको भूनना है। जितना आंवला लिए थे उतना ही हम पानी लिए हैं, इसमें कितना बस इतना पानी डाल करके इसको सॉफ्ट होने देंगे। देखिए आधा कटोरी ये पहले डाले थे और आधा कटोरी यानी 1 कटोरी पानी इसमें हमको लगा, इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देना है और इसे ढक करके हम इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये 250 ग्राम आंवला है तो 250 ग्राम हम चीनी डाल देंगे और इस सबको इसमें हम मिला देंगे। बस चीनी पिघल गया है और इसको ठीक होने तक हम पकाएंगे। अब आंवला थोड़ा ठीक हो गया है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे या फिर इसे भी ठीक होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घी और हम डाल देते हैं। दो से तीन चम्मच घी और डाल दें इसमें, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। बस ये हो गया, अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन कलर डाल देंगे, एकदम 2 बूंद ही डालें, इसको अच्छे से मिला देंगे। आप इसे बिना कलर का भी रख सकते हैं, इसको इस तरह से नीचे कर देंगे, नहीं तो नीचे वाला भून जाएगा और ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा। मिश्रण का घी छोड़ने तक हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दें, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें 2 चम्मच घी और हम डाल देते हैं। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। ये एकदम ठीक हो जाना चाहिए।
एकदम सूखने जैसा ही हो जाएगा, गोली बनने जैसा, तब इसको हम छोड़ेंगे। बस ये पैन अब घी छोड़ने लगा है, अब ये हो गया है। अब इसका गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेते हैं। इसे गोल गोल घुमाते हुए ठंडा करेंगे, जिससे इसका बैटर जो है ना एकदम पूरा स्मूथ हो जाएगा। टॉफ़ी बनने के लिए एकदम स्मूथ बैटर चाहिए, इसको जितना घुमाएंगे उतना ये स्मूथ बनेगा। अब एक प्लेट ले लेंगे, इसमें हम घी डाल दिए हैं, इसको हम अच्छे से थोड़ा दूर में हम मिला देंगे और इसमें इस मिश्रण को डाल देंगे। बस ये अब ठंडा हो गया है, हाथ से छूने लायक हो गया है। घी हम लगा लेंगे इस तरह से। और इसके हम इस तरह से पहले गोली मिला लेंगे, इस तरह से खूब मसल लेंगे अच्छा से। आप चाहें तो लंबा, गोल, चपटा, किसी तरह भी आकार के आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से हम सबको बना लिए हैं, देख सकते हैं, लगा देते हैं और इसको पीस में हम काट लेंगे। अभी गर्म है, इसे छुरी में सक रहा है, ठंडा होगा तो ये एकदम सही हो जाएगा। इस तरह से इसका हम कर लिए और इसको गोली हम तोड़ लेते हैं। अब इसको आप गोल बनाइए या लंबा बना लीजिए, इस तरह से बना के इसे हम रखते जाएंगे। बस देखिए हम सबको बना लिया है। टॉफी को मैंने फ्रिज में रख दिया था और सब एकदम अच्छे से सेट हो गया है, बहुत अच्छा बना है। ये देखिए इतना आवाज़ हो रहा है इस टॉफी का। अब बस इससे एक रैपर में इस तरह से इसको लपेट दीजिए। बस इस तरह से टॉफी को बना करके और बच्चे को दीजिए खाने के लिए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये है पीली टॉफी, इसको भी हम रैप कर लेते हैं। इस तरह से हम सारे टॉफी को रैप कर लेंगे और एक डब्बा में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। अब जब भी बच्चे मांग करें एक निकाल करके दीजिए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और अन्यथा कोई टॉफी की मांग नहीं करेंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में, नए रेसिपी में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ एक बात, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे बस इस तरह से आमले का टॉफ़ी बना करके खाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। ये बहुत सेहतमंद है, आमला किसी भी रूप में खाना चाहिए और बच्चे को खिलाने से दिमाग बहुत मजबूत होता है, इसलिए बच्चे को तो अवश्य खिलाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में, नए रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।